दोस्तों कंटेंट अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें इसके लिए बेल आइकन दबाने के बाद ऑल पे जरूर क्लिक कर देना। तो दोस्तों कैसे हैं आप, मैं हूं विवेक सिंह और दोस्तों टेक्निक सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। विवेक आंसर्स का एक नया एपिसोड, आपके क्वेश्चंस मेरे आंसर्स लेता हूं कमेंट सेक्शन से। तो अगले वाले अगर एपिसोड में चाहते हो आपका क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो, वहीं से क्वेश्चन कर लेता हूं मैं एंड आंसर देने की कोशिश करता हूं। आज मैंने कुछ 15 से 20 के बीच में क्वेश्चंस लिए हैं, उनके आंसर देंगे। पसंद आ लगे मुझे शेयर कर देना, नहीं पसंद आ डिसलाइक करके मुझे बता देना। ट्राई किया थोड़े यूनिक वाले लेने के लिए एंड कुछ नॉर्मल वाले भी। चलिए पहले चलते हैं पिछले हफ्ते के पोल पे। मैंने पूछा था पिछले हफ्ते कि एंड्रॉइड अपडेट्स जो आते हैं उससे आपको फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता, मतलब आपको फर्क पड़ता है कोई स्मार्टफोन एंड्रॉइड अपडेट दे या ना दे ब्रांड। तो कुछ 7,500 लोगों ने वोट किया है जिसमें नहीं फर्क पड़ने वाले में 24% लोग 24%, और बिना अपडेट के मतलब नहीं चलता वैसे 18% वाले हैं, और 58% के आसपास ऑलमोस्ट समझ लो कि 60% के आसपास वो वाले लोग हैं, मिल जाए तो भी सही है नहीं मिले तो भी सही है, कोई बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते मतलब इस चीज़ पे। चलिए मतलब इससे ये हो गया कि न फर्क पड़ने वाले ऑलमोस्ट 82% के आसपास लोग हैं जिनको मतलब बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता दोनों को मिलाकर। चलिए इस हफ्ते का क्वेश्चन जाके जरूर वोट कीजिए कम्युनिटी सेक्शन में, नीचे कमेंट सेक्शन में नहीं कम्युनिटी सेक्शन में जाके वोट कीजिए। क्या आपने कभी सेकंड हैंड फोन खरीदा है, हाँ या नहीं, दो ही ऑप्शंस हैं, जाके बताइए कि कभी सेकंड हैंड फोन खरीदा है OLX से या किसी और से, दोस्त से, कहीं से भी सेकंड हैंड फोन खरीदा है कभी, जरूर वोट कीजिए जाके। एंड चलते हैं इस हफ्ते के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आता है शिवम शुक्ला की तरफ से, हैशटैग विवेक आंसर भाव, आप टेक न्यूज क्यों नहीं देते हो लाइक टेक्निकल गुरु जी, टेक्नोरूहेज एक्सेट्रा। देखिए उसके लिए फिर आपको पूरा टाइम यूट्यूब को देना पड़ेगा जो कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं इंस्टीट्यूट में पढ़ाता भी हूँ, तो वहां से आने के बाद टेक्निकल गुरुजी ये सब लोग क्या है कि ये पूरा टाइम यूट्यूब पे देते हैं, ठीक है। रुहेज पूरा टाइम यूट्यूब है एंड ट्रैक इन टेक है वो भी पूरा टाइम यूट्यूब है, उनका प्राइमरी जॉब वही है, ठीक है। मेरे लिए दोनों है, ठीक है, दोनों से इनकम होती है तो ऑब्वियसली दोनों चीजें हैं। अभी इतनी इनकम यूट्यूब से है नहीं कि उसे छोड़ के इसे कर लें, फैमिली है तो उसके लिए भी मतलब उतना टाइम दे पाना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए जिस टाइम ऐसा हो जाएगा यूट्यूब का कि इतनी इनकम होने लगेगी बाकी सारे काम छोड़ सके, ऑब्वियसली ट्राई करेंगे अलग अलग चीज भी जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रिजवान आलम की तरफ से, हैशटैग विवेक आंसर, Realme 9 Pro ओके, और प्रो प्लस के 4G करियर एग्रीगेशन सपोर्ट है क्या, पॉसिबली होना चाहिए, अब तो देना चाहिए, आएगा जहां तक मेरा ख्याल है आएगा, एंड अभी आया नहीं, अभी कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं लेकिन आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फिरोज अली की तरफ से, विवेक भाई बैटरी का कोई फ्यूचर क्या है, ग्राफिन बैटरी क्यों ड्रॉप हो गई, उसके बारे में सोचा था मैंने, सुना था काफी ग्राफिन के बारे में, काफी सुना था बहुत जल्दी चार्ज होता था एंड काफी लंबे टाइम तक चलता था, लेकिन बाद में उसके ऊपर कुछ न्यूज आया नहीं। अभी फिलहाल तो लिथियम पॉलीमर और लिथियम आयन वाले ही हैं, यही दोनों चल रहे हैं एंड इनका फ्यूचर ही है अभी, ज्यादा कुछ टेक्निक्स ऐसे आते रहते हैं, पॉपअप होते हैं न्यूज फिर उसके बाद गायब हो जाते हैं, तो अभी उनके ऊपर अभी कोई ऐसा श्योर तो नहीं है। फिलहाल के टाइम में मेरे ख्याल से अगले 5-10 साल तो यही दोनों चलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लिरिक्स विजुअलाइजर की तरफ से, शुड आईको Z5 5G वर्थ टू बाय, अगर आप 5G बैंड्स को बहुत ज्यादा नहीं करते और डिस्प्ले को बहुत ज्यादा नहीं करते तो ले सकते हो, अदरवाइज ये दोनों अगर चीजें आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे स्मार्टफोन से जिन्हें आप देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विजु भाई की तरफ से, Under 10K में कोई ब्रांड एमोलेड डिस्प्ले ला सकता है आने वाले टाइम में, आया है भाई इन्फिनिक्स ने बहुत पहले एक HD+ वाला लाया था, HD+ का खाली था, एंड देन उसके बाद फिर सैमसंग ला चुका है HD+ का Under 10,000 HD+ वाला, फुल HD+ नहीं था तो आ चुका है, एंड इन्फिनिक्स काफी क्लोज है मतलब 12,000 तक तो, तभी फुल HD+ वाला लाया वो जो नोट 11 है, तो 12,000 तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ टाइम में शायद आपको देखने को मिल जाए, लेट्स सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मोहम्मद रेहान सालीपुर रोडी की तरफ से, हाय विवेक सर कैसे हो, मैं एकदम ठीक हूँ रेहान, आप बताना कैसे हो, एंड सर बड़ा अपकमिंग सेल कौन सा आने वाला है, अपकमिंग सेल बड़ा अभी ये होली से पहले आता है ना, फैब एंड या मार्च स्टार्टिंग में आपको देखने को मिलेगा, वो सेल काफी अच्छा होने वाला है। Under 15K 20K में कौन सा मोबाइल ले, नो एड्स होनी चाहिए, रियलमी भी सजेस्ट नहीं कर सकता, काफी अच्छी फोन है 9 Pro सीरीज जो आ रही है, एंड पॉसिबली सेल में आपको 20,000 के नीचे दोनों शायद देखने को मिल जाए सारे ऑफर्स लगा के, लेकिन एड्स अब रियलमी बहुत ज्यादा दे रहा है, मतलब शाओमी को भी पीछे कर दिया उन लोगों ने सब चीज़ें। 20,000 के नीचे मोटो का G71 काफी अच्छा फोन है, 5G है, एमोलेड पैनल के साथ आता है, सारी चीजें देख सकते हो उसकी तरफ, 20,000 के नीचे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है परवेज जफर की तरफ से, मोटोरोला का थिंक शील्ड सिक्योरिटी क्या है, अब ये सारी बहुत सारी चीजें हैं इसमें, मतलब आपको जो
डेटा चोरी हो जाता है, सारी चीजें हो जाती है ना, उसे बचाने के लिए सिक्योरिटीज होते हैं। पहले बहुत मतलब सिलेक्टेड प्राइवेट ही लोग भेजते थे, उसके बाद से सैमसंग ने और सैमसंग का वन यू जो है उसमें नॉक्स वाले जो काम किया उन्होंने काफी अच्छा है, इसके बाद इन लोगों ने भी लेकर आ गए। तो ऐसे दो तीन ब्रांड्स हैं जो अपनी खुद की सिक्योरिटी देते हैं ताकि डेटा ब्रीच ना हो, ठीक है, जो आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो कोई वो उसको न कर सके। ये सारी चीजों के लिए ये लोग खुद एक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बेस्ड सिक्योरिटी लेकर आते हैं, जिसमें से ये इनका थिंकशील्ड वाला एंड उसके बाद जो सैमसंग का है नॉक्स सिक्योरिटी, ये दोनों अपने उनके खुद के पर्सनल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वीर जाट रो लाट, अच्छा जो भी नाम है, बहुत लंबा नाम है। दादा भाई कैसे हो आप? मैं एकदम ठीक हूँ, आप जरूर बताना कैसे हो। एंड LTE और वोल्टे में क्या होता है, 20-22 हजार में बेस्ट टैब कौन सा है? LTE वोल्टी, LTE का मतलब होता है लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, ये 4G का दूसरा नाम है। जब 4G आया था ना उस टाइम पे, तो जो एयरटेल है वो लोग 3G को ही इम्प्रूव करके 4G दे रहे थे, मतलब 3G वाले इवेंट से। जब जियो आया 2016 में लेकर, तब उन लोगों ने वोल्टे यूज किया, LTE यूज किया, इसका मतलब होता है लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। 4G को ही कहते हैं, 4G जो बैंड्स होते हैं ना उसको LTE कहते हैं। अब वोल्टे क्या होता है, वॉइस ओवर LTE, मतलब LTE को यूज करके जब आप कॉल करते हो किसी को ना, तो वोल्टे पे जाता है, ठीक है। तो LTE को यूज करके जब किसी को कॉल करोगे, दैट इज कॉल्ड एज वोल्टे, उसी को ही कहते हैं। तो 4G यूज करके अगर आप फोन करते हो आजकल, तो उसी को वोल्टे कहते हैं। अब तो सारे ब्रांड्स दे रहे हैं वोल्टे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फिलिमोन मुर्मू की तरफ से। हेलो भाई, प्रोसेसर की 750G से 5G शुरू होता है, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर की 750G से शुरू होता है? नहीं भाई, 750G से नहीं चालू होता है, 480 है, 480 प्लस है, एक 430 सीरीज में भी कोई है, ध्यान नहीं आ रहा है मुझे, 5G है वो भी, 690 है, 695 है, तो 6 सीरीज में भी है, ऐसा नहीं है कि 750G से चालू होता है। एंड है दो तीन है 750G से नीचे, दो तीन है। स्नैपड्रैगन 695 5G है, तो इसके 6 सीरीज क्यों दिया? हर सीरीज में लाने के लिए वो लेके आएंगे ना, 480 प्लस 480 जो है वो 400 सीरीज में है, ठीक है, 695। होता क्या है कि 750G जो है पुराना है, ठीक है, उस टाइम जितना परफॉर्मेंस देता था उसका सक्सेसर 768 है, 765 है, ठीक है, जितने 775 आया, तो ये सब उसके सक्सेसर आगे चले गए। 600 सीरीज का जो आया, अब जरूरी है कि 750G से आगे जाएंगे ही जाएंगे, तो 695 जो है ना परफॉर्मेंस, अब स्नैपड्रैगन 845 था, ठीक है, 800 सीरीज का, अब 778 जो है वो 800 से बेटर परफॉर्म करता है, बहुत सारी चीजों में कर जाता है। तो आप कहोगे 700 सीरीज का, तो उसको 845 से अच्छा परफॉर्म नहीं करना चाहिए? ऐसा नहीं होता, परफॉर्मेंस जैसे जैसे टाइम बीतता है, नए नए चिपसेट्स आते हैं, नए नए कोर आते हैं ना, तो उनका परफॉर्मेंस बेटर होते जाते, तो ऑब्वियसली कभी ना कभी बीट करेंगे आगे आने वाली सीरीज को भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है विजय जायसवाल की तरफ से। सर रेडमी में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर कब आएगा? जब रेडमी वाले देंगे। देखिए अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है, ठीक है, कुछ ब्रांड सोचते हैं कि कस्टमर्स को ये ज्यादा चाहिए, कुछ ब्रांड सोचते हैं कस्टमर को ये चाहिए। जैसे रियलमी ने ज्यादा 5G पे ध्यान दिया स्टार्टिंग से ही, रेडमी ने उतना 5G पे ध्यान नहीं दिया, रेडमी तो अभी भी 4G फोन्स लेके आ रहे हैं। तो 5G वाले कस्टमर्स को रियलमी टारगेट कर रहा था, 4G वाले कस्टमर जो स्पेसिफिकेशन जिनको चाहिए, जिनको सुपर एमोलेड पैनल चाहिए, सारी चीजें चाहिए, उनको टारगेट रेडमी कर रहा था। तो अभी रेडमी के हिसाब से ऐसा लगता है कि उनको ऐसा लगता है कि कस्टमर को ये उतना जरूरी नहीं है जितना बाकी चीजें हैं, तो शायद इसीलिए वो लोग नहीं देते। जब उन्हें लगने लगेगा कि कस्टमर को बहुत ज्यादा जरूरी है, दिन लगेंगे, तो ब्रांड की स्ट्रेटेजी के ऊपर होता है कि किन कस्टमर्स को टारगेट करना चाहते हैं। आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के बदले कुछ ऐसी चीज दे देंगे जो आपको ज्यादा जरूरी लगे, 3.5mm जैक दे देंगे उस प्राइस में जहां पे कोई और नहीं देता, वैसे टाइप का हो जाता है। चलिए कृष्ण फोनान की तरफ से नेक्स्ट क्वेश्चन है, Samsung M52 5G में Android 12 अपडेट और One UI 4 आएगा या नहीं? आएगा भाई, वो तो 11 पे ही आया होगा ना, 12 13 ये दोनों कंफर्म आएंगे। आएगा तो कब? जब वो लोग देंगे, जब वो देना चाहे, पॉसिबली आपको 1-2-3 महीने में देख जाए मिल जाए देखने के लिए, लेकिन आएगा, 12 भी आएगा और 13 भी आना चाहिए सैमसंग के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यश त्रिपाठी की तरफ से, फर्स्ट सेल में EMI पे फोन ले पाते हैं क्या? क्विकली आउट ऑफ स्टॉक तो नहीं हो जाएगा? वो डिपेंड करता है कितनी उसकी डिमांड है। कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जिनकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है, जैसे रेडमी के कुछ फोन आते हैं, अब तो उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे फोन आते हैं जो फटाक से बिक जाते हैं, ठीक है, तो उतना टाइम आपके पास नहीं होता कि आप कार्ड डाल के फिर EMI वाला सिलेक्ट करो, तब तक तो बिक चुके होते हैं। तो कितना स्टॉक है इस बात पर डिपेंड करता है, कोई नाम फ्लैश सेल नाम की चीज नहीं होती, स्टॉक सारा बिक गया तो बिक गया, नहीं बिका तो लंबा चलता है सेल, तो वही चीज है। कुछ लोग बहुत कम लाते हैं खाली हाइप मचाने के लिए कि मेरा स्मार्टफोन बहुत जल्दी बिक गया, रेडमी वाले ऐसा करते थे। तो डिपेंड करता है, अगर उनके पास स्टॉक होगा रियलमी 9 और 9 प्रो प्लस का तो आपको मिल जाएगा, नहीं रहेगा तो डिपेंड, मिलना चाहिए मेरे हिसाब से EMI पे मिलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है धनुष खत्री की तरफ से, #विवेक आस्क,
हाय सर, कैसे हो? मैं एकदम ठीक हूँ धनुष, आप बताओ कैसे हो? रेडमी नोट 11 प्रो 5G, रियलमी 9 प्रो में कौन सा अच्छा है? अब दोनों को आ जाने तो उसके बाद ही बता पाएंगे भाई। अभी आएगा इंडिया में, अब इंडिया में किस स्पेसिफिकेशन पे आते हैं, क्या छोटे मोटे चेंजेस होते हैं, बहुत ज्यादा चेंजेस होते हैं, फिर उसके बाद किस प्राइस पे लेकर आते हैं, वो भी एक फैक्टर है। तो सारी चीजें देखेंगे एंड उसके बाद आपको बताएंगे कि कौन सा दोनों में बेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी हक की तरफ से, सर मोबाइल में सार वैल्यू का क्या काम है? सार वैल्यू का मतलब होता है स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट। ये क्या होता है कि किसी भी बॉडी से एनर्जी जो निकलती है ना, उसको एब्जॉर्ब करने का जो रेट होता है ना, तो उसको सार वैल्यू कहते हैं। ठीक है, तो स्मार्टफोन के अंदर से भी एनर्जी निकलती है, आप अपने फास्ट रखते हो ना तो एनर्जी निकलती है उसके अंदर से, और आपकी बॉडी पे कितना असर डालती है, दैट इज सार वैल्यू। एंड ये जो रेज निकलते हैं, सारी चीजें होती है, हीट निकलता है, जो एनर्जी, ये बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है बॉडी के लिए अगर लिमिट से ऊपर हो जाए तो। इंडिया का लिमिट जो है दैट इज 1.6। ठीक है, अब 1.6 के नीचे है तो आप सेफ हो, नियर अबाउट समझ लीजिएगा 2.5 तक सेफ होता है, ऐसा अप्रॉक्स माना जाता है 2.4 2.5 के आसपास सेफ होता है। गवर्नमेंट ने इंडिया की 1.6 तक रखा है कि इसके ऊपर आपको नहीं लाना है, तो आप सेफ हो। यहाँ के स्मार्टफोन ऐसे नहीं है कि सार वैल्यू से आपको इफेक्ट करेंगे, बॉक्स पे आप चेक कर लिया करो, ऐसा नहीं कि 1.3 है तो बहुत ज्यादा आ रहा है, बहुत वो भी बहुत सेफ है, ह्यूमन बॉडी के लिए सेफ है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, 1.6 के ऊपर अगर कोई जा रहा है तो एक बार ध्यान दीजिए, वो थोड़ा सा ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रिंस गेमिंग की तरफ से, सर XOS लॉन्चर प्ले स्टोर पर अवेलेबल है तो क्या हम इसे किसी भी फोन में डाउनलोड कर सकते हैं? हाँ, लॉन्चर आप किसी भी फोन में, वो स्किन की तरह होता है, आप खाली ऊपर से आपको देखने में लगे, उसका कुछ इंटरनल नहीं होता। क्या XOS लॉन्चर और iOS लॉन्चर एक ही कंपनी के? लॉन्चर तो कोई भी बना देता है भाई, मैं अपना खुद कल XOS लॉन्चर बना दूं तो UI कंपनीज के होती हैं। iOS जो है ये आपका इसका है टेक्नो का, एंड XOS जो है ये इन्फिनिक्स है, दोनों सेम ब्रांड के अंदर आते हैं ट्रांजिशन होल्डिंग के अंदर, तो उनके UIs जो है वो सेम ब्रांड्स हैं ऑलमोस्ट, लेकिन लॉन्चर्स तो कोई बंदा चलता भी बनाता है, आप भी बना के डाल सकते हो किसी भी कंपनी का, तो ऐसा लॉन्चर कोई किसी कंपनी का नहीं होता। चलिए हो गया सारे क्वेश्चन, आप वाला आएगी नहीं जरूर बता देना, कैसा लगा वीडियो ये भी बता देना, पसंद आया लाइक कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद है डिसलाइक करके मुझे बता देना क्यों पसंद है। और भी वीडियोस हैं उन्हें भी चेक कर सकते हो और मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो, सपोर्ट कुछ खास नहीं करना, साइड में देखो बैक में जिसके ऊपर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और इंस्टाग्राम पे आ जाओ, कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी कुछ भी पूछना है आ जाओ इंस्टाग्राम पे, सबको आंसर्स मिलते हैं आपको मिल जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया के साथ, तब तक के लिए दोस्तों।